प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो चैनल है जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पे जो भी इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो BCCLE से रिलेटेड ही आपके होते हैं, या फिर इंग्लिश के टॉपिक को मैं समझाता हूँ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि BCCLE इंजीनियरिंग का काउंसलिंग जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, मॉपअप राउंड, वो 100% होंगे, क्योंकि सीटें जो है बहुत ज़्यादा खाली है। तो अप्रॉक्स कितना सीट खाली है वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और लगभग सीट अगर आप बात किया जाए तो लगभग 2000 सीटें अभी भी मॉपअप काउंसलिंग के लिए सीटें जो है आपकी खाली है, जिसमें से आपका मान कर चलो कि 60% सीटें जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए जो है खाली है। बाकी जो सीटें हैं उस पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो सीटें आपका खाली है, इस पर आपका काउंसलिंग के लिए नोटिस जो है BCC बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है, जो कि नोटिस के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, उम्मीद करते हैं आपने वो देखा होगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। विलिंगनेस फॉर्म एक सबमिट करना रहता है, विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करने में कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, उसमें आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के और कैप्चा कोड डाल के आपको 100 रैंक पे क्लिक करना, जैसे आप अपना रैंक कार्ड चेक करते थे ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना रैंक कार्ड ही एक तरीके से चेक करना है। लेकिन आपको इस रैंक कार्ड में आपको जब चेक करेंगे तो आपको रैंक कार्ड का जो पेपर जिसमें करेंगे तो उसमें एक विलिंगनेस ID मिलेगा, ठीक है। तो वो विलिंगनेस ID जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे बस एक लगता है जो बोर्ड ऑफिस है उसको लगता है कि हाँ ये जो कैंडिडेट है ये इंटरेस्टेड है, आपका काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो ये जो विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करना है ये कब से करना है, क्योंकि आज आपका 11 अक्टूबर है ना, आज हमारी वीडियो जो देख रहे हैं, मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 11 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी आज 11 अक्टूबर है। तो ये जो 11 अक्टूबर आपका है, तो आज से आपका विलिंगनेस फॉर्म सबमिट नहीं करना है, आपको विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करने के लिए टाइम दिया गया है, और वो टाइम निर्धारित किया गया है 15 अक्टूबर से लेकर आपका 18 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर का जो है आपको टाइम दिया गया है। तो उस बीच में आपको जो है विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करना होगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, वो लोग जा सकते हैं। हाँ, मैं कहूँगा कि जिनका एडमिशन हो चुका है प्लीज़ वो ना ही सबमिट करें तो ज़्यादा बेटर है। इससे क्या है कि आपको परेशानी ज़्यादा होगा, ठीक है, इससे आपको परेशानी ज़्यादा होगा। परेशानी इन द सेंस कि पहले जो कॉलेज में एडमिशन करवाए हुए हैं वहाँ से आपको जो है बोनाफाइड बनवाना होगा, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपके पास दिया गया होगा वो, मतलब प्लस डबल खर्चा भी आपका है। जाइए काउंसलिंग में जाइए, फिर कॉलेज नहीं मिला तो फालतू का आने जाने का पैसा बर्बादी है, ठीक है। और दूसरी कि अगर दूसरा कॉलेज मिल गया तो जो कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है उसमें से पैसा निकालना भी एक थोड़ा मुश्किल होता है और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो लफड़ों में फंसने से अच्छा है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिल चुका है उससे आप संतुष्ट रहें। देखो डियर, बिहार के कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो MIT हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे कैमूर हो, या फिर बक्सर हो, या फिर आपका पटना का हो, या इवन दरभंगा का भी हो, कोई भी कॉलेज हो, आपको डिग्री सेम मिलने वाली है, आपको लगभग जो फैसिलिटी मिलेगी वो भी लगभग सेम ही मिलने वाला है, कोई ज़्यादा चेंजेस आपका नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा IIT और NIT से आप कंपेयर करेंगे कि हाँ ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना खुद है, जॉब के लिए आपको खुद से मारामारी करना होगा, यानी खुद पे अगर आपका कॉन्फिडेंट है कि हाँ हम इस ब्रांच को लेकर और इससे रिलेटेड जो भी जॉब्स है उसके प्राप्त कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप प्लेसमेंट के भरोसे बैठे हैं कि नहीं मेरा प्लेसमेंट होगा तो हम जाएंगे और अच्छा कंपनी में जाकर जॉब करेंगे, तो
जिस उम्मीद से हो तब तो बिहार आपके लिए बेकार है। तो ये बिहार के मान के चलो कि 80% कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट होती है वो ना के बराबर होता है ना, ना के बराबर होता है। और ख़ासकर वैसे कैंडिडेट के लिए जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल से किया है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो सच्चाई है वो है, हाँ प्लेसमेंट होता है, ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन ना के बराबर होता है। और वैसे भी हर कोई तो चाहता है कि प्लेसमेंट हो, लेकिन सभी को मिलता नहीं है। आप यूँ ही मानकर चलो कि आप गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हो लेकिन आपको होती नहीं है, सेम चीज़ वही यहाँ पे भी है। आप इच्छा तो बहुत रखोगे लेकिन होगा नहीं। तो इच्छा तो ठीक है, अच्छी बात है कि इच्छा होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट होगा तभी आप अच्छा कर पाओगे। लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ आपको ये भी माइंडसेट रखना होगा कि हमें किस फील्ड में जाना है और उस फील्ड में जाने के लिए हमें अल्टरनेटिव रास्ता क्या है। यानी आपको ये सोचना होगा कि प्लान ए तो आपका है कि प्लेसमेंट होगा इस ब्रांच के थ्रू, इस कॉलेज में रहेंगे तो हम अच्छे जगह पे हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ प्लान बी भी आपका होना चाहिए कि अगर मान कर चलो कि हमारा यहाँ पे डिग्री तो मिल जाएगा लेकिन डिग्री मिलने के बाद हम क्या करेंगे, डिग्री मिलने के बाद हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी जो है प्लानिंग आपको करना होगा। तो उसके लिए आपको खुद से करना होगा, उसके लिए कोई आपको ये गाइड नहीं करने आएगा कि ये करो वो करो। तो सारा डिसीजन जो है आपको खुद ही लेना है। तो डिसीजन जब आपको खुद ही लेना है तो फिर दूसरों के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहना है ना, फिर दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहना, ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। और कोशिश करिए कि जो कॉलेज आपको मिल चुका है उस कॉलेज में ही रहिए तो ज़्यादा बेटर है। मॉप अप काउंसलिंग उन लोगों के लिए रहने दीजिए, उन लोगों को भी मौका दीजिए जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो या सेकेंड राउंड हो, और वो चाहते हैं आपके जैसा इंजीनियर्स बनना है ना, जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो उस तरीके से, तो उन्हें भी एक मौका दिया जाए ताकि उनकी भी जो इच्छा है वो भी अपना पूरा कर सकें। देखो मेरा काम है बस सजेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना, बाकी आपकी मर्जी है ना। मैं इसमें ज़्यादा किसी को प्रेशर तो नहीं कर सकता भाई कि तुम मत ही जाओ, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकता। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर जो है डिपेंडेंट है। ओके, तो आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वह कर सकते हैं। बस कोशिश करिए कि जहाँ पे भी आप हैं उसमें बेस्ट करने की, क्योंकि अगर आप बेस्ट करेंगे तो ही आप बेटर तक आ पाएंगे। क्योंकि हर कोई अपने अपने इंस्टीट्यूट में बेस्ट करना चाहता है, लेकिन जब वो अपने कॉलेज से बेस्ट करता है तो बेस्ट न होकर बेटर हो जाता है, और बेटर के जगह पे जब वो पूरे दुनिया में निकलता है तो वो वर्स्ट कंडीशंस में आ जाता है। तो आप अपने कॉलेज में बेस्ट करिए, तभी जाकर अगर आप दुनिया में निकलेंगे तो आपका कुछ बेटर हो सकता है, ठीक है। कई सारे लोग कहते हैं कि मार्क्स बेसिस पे जॉब्स जो बिहार में मिलती है वो सही नहीं है, ठीक है, हमेशा कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होना चाहिए। देखो ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, इसमें हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं कि भाई हमको इससे इशू है, एग्ज़ाम बेसिस होना चाहिए। लेकिन क्या आपने जो सेमेस्टर्स में एग्ज़ाम दिया है, 8-8 पेपर एग्ज़ाम्स दिया है ना, या 6 पेपर आपने एग्ज़ाम दिया है, उसमें थ्योरेटिकल एग्ज़ाम अलग, वाइवा अलग, प्रैक्टिकल अलग, तीन तीन अलग अलग एग्ज़ाम्स आपने दिया है, क्या उस एग्ज़ाम से भी बेटर आपका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो गया है? जब आप उस सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो क्या ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन बनाने से आप बेटर हो गए, आपके लिए वो बहुत अच्छा हो गया? तो ऐसा नहीं है। तो आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम पे फोकस करिए, अच्छा आप करेंगे तभी आपके साथ भी अच्छा होगा। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे परफॉर्मेंस तो फिर आपके साथ अच्छा कैसे होगा? अगर आप परफॉर्मेंस नॉर्मल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें जो है चांद मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है।
तो चांद पाने के लिए चांद के जैसा मेहनत करना होगा कि चांद को पाने के लिए हमें क्या क्या करना है। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा जो लोग पहली बार आए हैं, और अगर कोई और डाउट्स रहता है तो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि आपका मदद किया जा सके, आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। और मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, क्योंकि देखो मेरा तो काम है आपको अपडेट करना, मैं तो आपको अपडेट कर दूंगा, बशर्ते आपका भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं है। अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो उसको कैसे इन्फॉर्मेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, या आपका जो सवाल है वो पूछिए ताकि आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। थैंक यू।